हेलो गाइस, अभी मैं रत्नागिरी गणपतिपुरे आ गई हूँ, गणपति का मंदिर के लिए। अभी हम लोग ने रूम बुक कर लिया है जो महाराष्ट्र का टूरिस्ट बोर्ड है, वहाँ पे हमने किया है। बिकॉज बीच के साइड में और दूसरा वो होटल्स नहीं मिलते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे बुकिंग किया है, एसी रूम बुक किया है। आप सोचोगे नहीं कितना प्राइस है, पता है गवर्नमेंट है, बट देन ऑल्सो 6,000 रुपीज़ रूम का है रेंट। बट रूम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और एकदम व्यू बहुत अच्छा। अभी हम लोग नाइट पे आ गए हैं, तो इसके वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन कल सुबह मॉर्निंग में ही मैंने जैसे किला में दिखाया है, वैसे ही मैं यहाँ का भी दिखाऊँगी आपको मॉर्निंग में। तो अभी खाली रूम का आपको टूर दिखा, तो बहुत सुंदर है, प्राइस ज़्यादा है, बट देन ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री वैसा कुछ नहीं है। बट हम लोग अभी बाहर जाएंगे खाना वाना खाने के लिए, कैंटीन है वहाँ पे भी खा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन ठंडा हो जाता है खाना। तो अभी हम लोग बुक कर रहे, बाबू अभी फ्रेश होना है, बाबू देखिए उसका रोना चालू है, आए नहीं नहीं। तो अभी आपको रूम का पेट का है, एसी है, प्लस रूम बहुत सुंदर है। आप अगर गणपतिपुरे आते हैं तो महाराष्ट्र टूरिस्ट बोर्ड से कीजिएगा, तब आपको रूम बहुत सुंदर सुंदर है। बिकॉज हम लोगों ने बीच साइड में रूम बुक किया, इसलिए महंगा पड़ा है। आप ऐसा नहीं है कि सस्ता वाला नहीं है, 3,000-4,000 में भी है, ऐसा है। ये सोफ़ा वगैरह है, टी वी भी है, ये कवर्ड है, ये वाला दरवाज़ा खुलता नहीं है, बट खिड़की खुलती है। सुबह सुबह उधर का आपको मैं दिखा सकती हूँ शायद, बट अभी नहीं खोलूँगी बिकॉज मच्छर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बाथरूम वगैरह है, बाथरूम भी बहुत सुंदर है, ये देख रहे हैं, ग्लास वाला है पूरा, गर्म पानी वगैरह है। तो अभी बाहर का खाली मैं रूम्स बुक किया है जेंट्स के लिए और लेडीज़ के लिए हम लोगों का, तो उन लोग का भी सेम है। तो अभी हम लोग फ्रेश होके हम लोग बाहर जाते हैं थोड़ा, फिर बाहर का आपको नज़ारा कल सुबह ही दिखा पाऊँगी, अभी अंधेरा है कुछ दिखा नहीं पाऊँगी। चलिए अभी फ्रेश हो जाते फटाफट। जो कैंटीन है वहाँ पे हम लोगों ने खाना हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, बिकॉज लेट हो चुकी है और मेरी फ्रेंड को जल्दी खाना है, तो इसके वजह से वेज का पहले बोल रहे हैं, नॉन वेज हम लोग बाद में, वो लोग हमें पार्सल कर देंगे। आप लोग क्या थे, यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं, बहुत सुंदर सा कैंटीन है, एवरीथिंग मिलता है यहाँ के अंदर में, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, सब अंदर में ही मिलेगा, तो खाने की टेंशन नहीं है। और रूम में भी सर्विस देते हैं, मतलब खाली पैकिंग का आपको कंटेनर का चार्जेस लगाते हैं खाली, और कुछ नहीं। अभी खाना ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर करने के बाद पैक करके हम लोग जाएंगे रूम पे, फिर निराम तक शांति से बैठेंगे। और ये इतना टोटल ये होटल है, मतलब गवर्नमेंट के, टोटल गवर्नमेंट के अंदर है। आप लोग को यहाँ पर टोटल ना 110 आई थिंक रूम है। आप बहुत सारे रूम्स हैं, मैं सुबह आप लोग को यहाँ का पूरा तो दिखा नहीं पाऊँगी, इतना बड़ा है, बट जो मेन मेन सुंदर सा आगे का है वो दिखाऊँगी, बिकॉज हम लोग को बहुत लेट हो गया, जल्दी आते तो हम लोग आज ही दिखा सकते हैं। तो अभी चलते हैं रूम पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 6:00 रात में गई थी दुकान, लेकिन भी रात में वीडियो नहीं कर निकाल पाई, बिकॉज लाइटिंग इतना वो नहीं है, तो काम नहीं है। तो अभी सुबह शुरू होती हूँ, आपको कितना सुंदर दिख रहा है। आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ,
नर्सरी है, पूरा पार्क ही पार्क है प्लेस। अकल सराय शब्द इतना अपनी एदिन दुदिन थे भल है मैंने घपकने मोर इतना टाइम शर्ट कारण घपकने आस गई तैनिक टाइप से पार्किंग ओपेन जिम बैम्बो हाउस रेस्टुरेंट बुट क्लाब कन्फारेन्स हल सब आस हेरी विचार बोटिंग क्लाब से क्लाब हेरी गणपति पुले एक्वाटिक एडवेंचर्स यू एम टी डी सी एखर नाम हम एम टी डी सी महाराष्ट्र टूरिज्म बोर्ड इते यू अफिस है यू रिसेप्शन आ एंटर कर एनकुरी कर एनकुरी फिर आप रूम एवेलेबल रखते हैं आप लोग देख सकते हैं। सरक मजते सर ला छी लै मैं बहुत भल मैं खेल चल लोकेशन बहुत धुनिया खुली नींद दो दिन से अच्छा से हुआ ही नहीं है बट घूमने को आए हैं क्या सोते रहने रात भी मैं कैसे भी दो घंटा भी सोई हूँ आई थिंक दो तीन घंटा ही सोई अभी मैं नीचे जा रही हूँ चलिए वो भी लेके चलते हैं ये सीढ़ी बना के रखे हैं होटल के अंदर से ही आप जा सकते हैं खाली यहाँ का एक प्रॉब्लम है नाइट पे एटलीस्ट एक बड़ा सा लाइट होने से आगे है बिकॉज वो मंदिर का वहाँ से है तो इसकी वजह से लाइटिंग है लेकिन यहाँ पे रात के टाइम में एक लाइट नहीं है पूरा अंधेरा हो जाता है मेरे ये मिस्टर कल गिर गए हैं बिकॉज लाइट सब ऑफ कर देते हैं नाइट पे चलने को भी और यहाँ पे आए हैं तो एटलीस्ट एक लाइट तो हर एक गली में चला के रखना चाहिए बट ये उनको चोट लग गई थोड़ी बहुत फिर हम लोग नाइट पे टॉर्च जला के आए थे बीच पे बिकॉज उनको बहुत अच्छा लगता है नाइट के टाइम पे समुद्र पे जो ठहरा देखने को मिलता है वो दूसरी चीज़ में नहीं होती है। चलिए अभी आप देख रहे हैं ना वो सीढ़ी पूरा चलिए आपको बैठ कर बारिश चालू हो गई है देखने में पूरा भीग चुकी हूँ तो मज़ा भी आ रहा है पूरा समुद्र वाइट वाइट और हम लोग रेडी होके मंदिर के लिए फर्स्ट जा रहे हैं अभी सुबह के 10 बज चुके हैं पहले मंदिर जाते हैं सब रेडी हो गए हैं हमारा बाबू और बारिश चालू हो गई इधर स्टैचू एंट्री पॉइंट तो अभी जाके आते हैं पहले आगे का सफर हम लोग मंदिर का अंदर में देते हैं कि नहीं पता नहीं बता रहे थे You can't go.
एंट्री हो गया है, वो अंदर में अलाउड नहीं है मोबाइल, तो बाहर का वो वीडियो बना रही हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। तो चलिए, एक्चुअली हर सब मंदिर में वही चलता है कि अंदर में वीडियो नहीं चलाया जाता। तो चलिए आप लोग बाहर का यहाँ का वो देखती हूँ, आप लोग जरूर आएंगे यहाँ पे, बहुत अच्छा। मंदिर के दर्शन हो गए और बाबू बहुत जोर से रो गए। मंदिर का ज़्यादा अंदर में वीडियो नहीं निकाल पाई, बट बाहर से निकाल के हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। तो इसके वजह से आवाज़ सुनाई दे रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ओके अभी चलते हैं, फिर हम लोग भी जाएंगे आगे की लोकेशन में, पहले पिकअप करेंगे, चाय पियेंगे। उधर में मार्केट वगैरह है, बीच पे भी जा सकते हैं इधर से। तो अभी हम लोग बीच पे नहीं जाएंगे, हम लोग लेट हो जाएंगे नहीं तो। इधर में लॉज वगैरह भरपूर है आपको मंदिर के पास में। तो यहाँ पे सब मार्केट, पहले मैं जब आई थी यह सब नहीं था, अभी सब दुकान बनेगा यहाँ पे।